गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी विल रीड अवर चैप्टर नंबर 13 दोस्त बीज। गुरु शरण सिंह खेतीबाड़ी अफसर सन, उन्हां दी बदली हुशियारपुर जिले में ढोलबाहा में हो गई। बदली का मतलब हुंदा तबादला, ट्रांसफर। भी जिहड़े गुरु शरण सिंह नाम के जिहड़े इंसान सन, क्योंकि खेतीबाड़ी अफसर सन, खेतीबाड़ी के ऑफिसर सन, उन्हां दा जिहड़ी तबादला आ, मीनस उन्हां दा जिहड़ा ट्रांसफर आ, हुशियारपुर जिले में ढोलबाहा के पिंड में हो गई। वह अपनी पत्नी जसप्रीत, इंसान की बेटी सिमरन और अपने माता पिता नाल सरकार वालों मिले नवे घर में रहन लगे। इस नवे घर में एक बहुत वड्डा बगीचा भी सी, पर इस बगीचे की किसी ने चंगी तरह सांभ संभाल नहीं की सी। भी वह की है, अपनी पत्नी जसप्रीत नाम की अपनी पत्नी, 3 साल की उन्होंने बेटी सी सिमरन, तो अपने माता जी नाल आके कि सरकार वालों जो उन्होंने नवा घर मिलया सीगा उत्थे आके रहन लग पे। उस नवे घर विच उनको बहुत सुंदर बगीचा सी, पर बगीचे की किसी ने चंगी तरह देखभाल नहीं की सी। एक बूटे वाल वेख के जसप्रीत ने पूछा, यह केड़ा बूटा है? गुरु शरण ने दसिया, यह सेब के बूटे ने, इस पहाड़ी इलाके में सेब भी उगते ने। गुरु शरण और जसप्रीत ने फैसला किया कि बगीचे की सांभ संभाल की जाए। उन्होंने जमीन पुट के नवीं क्यारियां बनाईया, क्यारियों में बाकी बूटिया बाकी बूटियां रूड़ी की खाद पाई गई। फिर एक दिन गुरु शरण सिंह बाजार तो बीज लैके आए, कागज़ के लिफाफिया में बीज कढ़ के उन्हें एक मेज से रख दिते। भी एक बूटे वेख के जसप्रीत ने अपने पति को की पूछा भी यह बूटा केड़ा है, तो उन्होंने गुरु शरण सिंह ने उन्होंने की दसिया भी यह सेब के बूटे हैं, भी पहाड़ी इलाका है, इसे करके इतने की सेब के बूटे ज़्यादा उगते हैं। गुरु शरण सिंह जसप्रीत ने फैसला किया भी जो उन्होंने सुंदर जहाँ बगीचा उनकी पूरी तरह देखभाल करेंगे, इस करके उन्होंने की है जमीन पुट के नवी क्यारियां बनानियां, तो जी उन्होंने क्यारियां बनाईया से जो पहला उत्थे बाकी बूटे लगे हुए से उन्होंने रूड़ी की खाद पाई गई। फिर गुरु शरण सिंह बाजार तो बीज लैके आए, कागज़ के लिफाफिया में कट के जोड़े बीज से उन्होंने मेज से रख दते। इन्हों बीजा ने आपस में दोस्ती हो गई। सेब के बीज ने कहा, मैं एक फल वाले रुख का बीज हाँ, जो मैं व्डा हो जावगा तो मैं रसीले अंब लगनगे, मेरे फल खाण में स्वाद तो होंगे ही हैं, नाल ही सेहतमंद भी बनाते हैं। मेरे फलों का रस पीने बहुत ताकत मिलती है। भी इन जे बीज उन्होंने लिया के मेज से रखे सन, उन्होंने आपस के दोस्ती हो गई। जो सेब का बीज से कह लगे कि मैं एक फल वाला रुख हाँ, जो मैं व्डा हो जावगा तो मेरे तो बहुत ज़्यादा रसीले सेब लगने, रसीले मतलब रसदार भी जो रस न भरे हुए मिठे मिठे, मेरे फल खाने में कहें भी स्वाद तो बहुत होंगे हैं, तो नाल ही सेहतमंद भी बहुत होंगे हैं, मेरे फलों का जो रस पीता है उसको बहुत ज़्यादा ताकत मिलती है।